सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले जाते हैं, मैंने उस व्यक्ति को अपनी आंखों से, इको गार्डन आपने देखा होगा, इको गार्डन के ठीक सामने पार्क है ना, उस पार्क में दो महिलाओं के साथ मैंने बैठे देखा पार्क के अंदर। और वो महिलाएं कोई गांव क्षेत्र वाली नहीं थी, थोड़ी स्टैंडर्ड थी, क्योंकि हर महिला का सम्मान हमारे दिल में रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आखिर वो कौन सी महिला थी, क्या थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करके यहाँ लखनऊ में लोगों को बेवकूफ़ बना करके इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। सवाल तो बनता है कि वो महिलाएं आखिर ठीक हों। मैं खुद सोचने पे मजबूर हूँ, साथ में एक दो चौकीदार भी थे, और वो दो महिलाएं पार्क में क्या काम था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बैठ करके दोनों महिलाएं इधर उधर बैठी थी, बीच में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे, क्या वार्ता चल रही थी मुझे नहीं पता। देखा तो थोड़ा सा कष्ट हुआ कि यार बताइए कि चौकीदारों के साथ कितना सत्यानाश किया जा रहा है। नेता बनकर के क्या यही सब मिलता है इन लोगों को यार, कि देखिए कहीं ना कहीं शादीशुदा हो, बच्चे भी होंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मतलब लोगों को भ्रमित ना करें। देखिए हम मानते हैं कि देखिए लेडीजों के साथ बैठना कोई गुनाह नहीं है भाई, वो फ्रेंड भी आपके हो सकते हैं, आपके परिचित भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों को ये कहना कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इस तरीके से भ्रमित नहीं करना चाहिए भाइयों। देखिए हमने तो हमेशा आज तक, हम देखिए आपको हमेशा वो जानकारी देते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको एक सही चीज पता चल सके। इस तरीके का कार्य बहुत निंदनीय है, मैं और मेरा चैनल इसका विरोध करता है, क्योंकि आप किसी को भ्रमित करके ऐसा मत करिए। आप डायरेक्टली आइए, आप चाहे लड़कियों के साथ बैठिए या किसी के साथ बैठिए, इससे ना मुझे कोई आपत्ति, क्योंकि ये देखा आपका अपना खुद का मानवाधिकार है, तो उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 2014 के बाद वैसे भी मोदी जी ने कह रखा है कि भाई 18+ हैं अगर आप, तो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो उसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि किसी को भ्रमित ना किया जाए, कि ऐसा नहीं कि आप बोल गया ये काम करने जा रहा हूं, वहां से चल रहा दूसरा काम, तो ऐसा मत करिए। ये सब देखता हूं तो बड़ा कष्ट होता है। एक वीडियो देखा, उसके पीछे एक चौकीदार बेचारा खड़ा है, खुद बैठ करके वीडियो बना रहा है। तो कहीं कहीं ये संस्कार हैं, इनको खुद समझना चाहिए। वो अपने आप को घमंड में अपने आप को इतना बड़ा काबिल और समझते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो पूरे भारत की जिम्मेदारी निभाता है। मुझे तो लगता है कि ये उत्तर प्रदेश को तो निभा नहीं पाते हैं, तो ये भारत में क्या निभाएंगे। चौकीदारों की समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले इसमें जितने पदाधिकारी बनकर बैठे इनके पद खत्म किए जाएं, ये पद बंद करके एक इसमें आप अध्यक्ष चुन लीजिए, ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ना कोई प्रदेश अध्यक्ष, सिर्फ अध्यक्ष जो सही से नेतृत्व करे और नेतृत्व करके आपको एक मंजिल तक पहुंचाए। अब कुछ लोग मुझे फोन करके कहते हैं अन्नू भैया वेतन बढ़ा कि नहीं। अरे अन्नू भैया क्या करें यार, हैं क्या करें अन्नू भैया, आप लोग घर से निकलना नहीं चाहते, घर से बोलना नहीं चाहते, जा करके उनके वीडियो देखते हो, उनको लाइक कमेंट शेयर कर रहे हो, तो करो जाके, अपना भविष्य खुद आप अंधकार में डाल लो। इसमें अन्नू त्रिपाठी दोषी नहीं, हम आ जाए तो कल नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन बस ये है कि हम तो चिल्ला चिल्ला के गला फट चुके हैं, इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हें ये अभी भी अंधभक्ति सवार है, ये नहीं समझ में आ रहा कि जमीन पे काम कौन कर रहा है। ऐसे बैठ करके वीडियो बनाना तो आसान है, कोई भी बना सकता, कोई भी नेता बन जाएगा। तो ये चीज आपको खुद ध्यान देना है। जो व्यक्ति लगातार आपको भ्रमित कर रहा है कि 2 तारीख को जाऊंगा, 3 तारीख को वेतन बढ़ जाएगा, 5 तारीख को खाते में पैसा आ जाएगा, अभी एक रिकॉर्डिंग में सुन रहा था उसमें बता रहे कि 11 तारीख को सबके खाते में डबल पैसा आने वाला, तो ऐसे ऐसे भ्रमित किया जाता है आपको, और आप लोग होते हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, या अन्नू त्रिपाठी नहीं है। मैं आपको हमेशा सही जानकारी देता हूं, और मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सब हम पूरा उसका बायोडाटा डाल करके ही बनाते हैं, जो जो मुझे खबर मिलती है मैं वो डालता हूं, मेरा काम है खबर देना, मैं देता हूं। अब सरकार करेगी कि नहीं करेगी, आप लोग जागरूक होगे कि नहीं होगे, ये आपके ऊपर है। इसमें मैं तो नहीं हूं ना कि मैं आपको पकड़ के जगाऊंगा भाई, मैं इस वीडियो से ही बोल सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं।
इसलिए अभी भी वक्त है, समझिए बात को, नहीं समझोगे तो आप भुगतोगे। मुझे पता चला कि दिलदार खान की जब गिरफ्तारी हुई तो 8-10 चौकीदार सामने देख रहे थे, पता है आपको, देख रहे थे, और धीरे धीरे डर की वजह से एक एक करके भाग गए। अगर यही आज एकता होती और 8-10 लोग खड़े हो जाते कि महोदय मुझे गिरफ्तार करिए, मुझे भी गिरफ्तार करिए, जब उसकी दोस्त नहीं है तो आप उसको क्यों गिरफ्तार करिए, लेकिन कोई नहीं बोला। ये हाल तो वही हो गया कि जब बकरे कसाई के पास जाते हैं ना, तो जब एक बकरा कट रहा होता तो दूसरा बकरा आराम से देख रहा होता, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि मैं भी काटा जाऊं। तो यही हाल है आपके साथ, यही सत्यता है। नहीं सुधरोगे तो ऐसे धीरे धीरे काटते रहोगे, और आने वाले समय में खुद में खुद ये विभाग ही खत्म करवा लोगे। सच्चाई बता रहा हूं, जिस स्थितियों में आप लोग चल रहे हैं, अभी भी आंखों से पट्टी नहीं हट रही तुम्हारे, पद के भूखे मरे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पद लेकर के जग लूट रहे हो। क्यों ऐसा ठगी फगी कर रहे हो यार? एक बात तो है कि जो लोग ठगी कर रहे हैं, जो लोग पैसा चौकीदारों से ले रहे हैं, उन्हीं का नाम सम्मान चल रहा है इस समय। मैं ये तो देख रहा हूँ, कलयुग है ना, यहाँ सच्चे आदमी की वैल्यू नहीं होती, ईमानदारों की वैल्यू नहीं होती, फ्री सेवा करने वालों को घी नहीं हजम होता, यही सच्चाई है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।